शिवसेना के विधायक हर्षवर्धन जाधव पर एक पुलिस अफसर को तमाचा जड़ने का आरोप लगा है। जिस पुलिस वाले ने जाधव पर तमाचा मारने का आरोप लगाया है वो शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की सुरक्षा दल में शामिल है। शिवसेना विधायक हर्षवर्धन जाधव की बदतमीजी, विधायक ने पुलिस अफसर को मारा थप्पड़। ये है शिवसेना के विधायक हर्षवर्धन जाधव। सत्ता का ऐसा नशा कि अपनी रसूख के आगे किसी को कुछ नहीं समझते। ताकत की हनक में कल एमएलए जाधव ने अपनी ही पार्टी के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के सुरक्षा दल में शामिल विशेष पुलिस अधिकारी पराग जाधव को कथित तौर पर थप्पड़ जड़ दिया। पराग के मुताबिक वो एक होटल के कमरे के बाहर तैनात थे जहां उद्धव पार्टी के कुछ विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान हर्षवर्धन ने कमरे में घुसने की कोशिश की लेकिन पराग ने उन्हें रोक दिया, जिससे नाराज होकर विधायक ने कथित तौर पर अधिकारी को चांटा मारा। सोनेगांव थाने में शिवसेना विधायक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हर्षवर्धन जाधव मराठवाड़ा कनाद से विधायक हैं और महाराष्ट्र विधानसभा के शीत सत्र के सिलसिले में नागपुर में हैं। पुलिस के साथ टकराव का जाधव का पुराना इतिहास रहा है। जनवरी 2011 में औरंगाबाद पुलिस ने कथित तौर पर उनकी पिटाई कर दी थी जब वो जबरन तब के सीएम के काफिले में घुसने की कोशिश में थे। तब वो एमएनएस के विधायक थे। बताया जाता है कि एमएनएस ने जाधव की पिटाई के मुद्दे को जब हवा नहीं दी तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। फिलहाल ताजे मामले पर जाधव की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। कौशल पांडे, नागपुर, आज तक।